This Lellan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। 25 फरवरी की तारीख, मुंबई में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिलती है। संदिग्ध दिख रही गाड़ी की जांच पड़ताल होती है, पता चलता है कि इसमें तो विस्फोटक भरे हुए थे। हादसा तो टला लेकिन जांच शुरू हुई, पता चला कि ये कार किसी मनसुख हिरेन नाम के शख्स की थी। मनसुख ने पुलिस को बताया कि कार 17-18 फरवरी को चोरी हो गई थी, इसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि 5 मार्च को मनसुख का शव थाने से बरामद होता है। मनसुख की पत्नी दावा करती है कि उनकी हत्या की गई। इस प्रकरण में जिस शख्स पर सवाल उठते हैं उसका नाम असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 14 मार्च को सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के मामले में वे सवालों के घेरे में हैं। साथ ही एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक से भरी कार को लेकर भी उन पर गंभीर आरोप है। वो पुलिस वाला जिसकी गिनती कभी मुंबई के जाबड़ पुलिस अधिकारियों में होती थी, टेक्नोलॉजी से इतना फ्रेंडली कि एक वक्त तो अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया था। साल 2014 में वाजे ने एक मामले में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा पर केस भी किया था। वाजे से जुड़े कई किस्से हैं। इंडिया टुडे के अंकित कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक सचिन वाजे को एक वक्त मुंबई पुलिस सर्किट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था, तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर। 2003 का एक मामला था, ख्वाजा यूनुस की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला। इस मामले में साल 2004 में सचिन वाजे सस्पेंड हो गए थे, 16 साल का सस्पेंशन झेला। 2020 में सस्पेंशन हटा तो मुंबई पुलिस में वापसी की, लेकिन साल भीतर ही एंटीलिया केस में फिर सस्पेंड हो गए। साल 2004 के पहले पुलिस में रहते हुए वाजे साइबर क्राइम, बैंक फ्रॉड जैसे तमाम केसेस सुलझाने में शामिल रहे थे। बाद में 16 साल के सस्पेंशन में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे ने टेक में अपना स्पेशलाइजेशन आजमाया। सबसे पहले उन्होंने साल 2006 में एक फेसबुक जैसा मराठी ऐप तैयार किया, नाम दिया लई भारी। फिर 2012 में वाजे ने इंडियन पीपल डायरेक्टरी .com नाम से एक देसी सर्च इंजन बनाया। इसमें भारत भर की जानकारियां दिए जाने का दावा किया गया। फिर बनाया देसी व्हाट्सएप। वाजे ने डायरेक्ट बात नाम से एक मैसेजिंग एंड कम्युनिकेशन ऐप तैयार किया, कुछ कुछ देसी व्हाट्सएप टाइप। ऐप को लेकर उनका दावा था कि ये धरती का सबसे सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियां, बड़े बड़े अधिकारी भी तसल्ली के साथ कर सकते हैं। अक्टूबर 2018 में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, हालांकि अब ये गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। वाजे ने अपने तमाम वेंचर्स के नाम ट्रेडमार्क करा रखे हैं, इनमें उनके मराठी फेसबुक का नाम लई भारी भी शामिल है। साल 2014 में रितेश और जेनेलिया ने मिलकर एक फिल्म बनाई, नाम दिया लई भारी। बस इसी के बाद वाजे ने जेनेलिया और रितेश देशमुख पर कॉपीराइट का केस कर दिया था। इसके अलावा सचिन वाजे 26/11 हमले पर दो किताबें भी लिख चुके हैं। एक किताब का नाम है जिंकन हरलेली लड़ाई, इसमें उन्होंने लिखा है कि हमले की प्लानिंग कैसे हुई इसके बारे में। दूसरी किताब है द स्काउट, इसमें भी 26/11 हमले और उससे उपजे हालातों का जिक्र है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।